सो हे गाइज, वेलकम बैक इन ग्री अपडेट्स। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2021-22 एडमिशन सेशन के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ जो SAT स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बारे में, साथ ही साथ मैं आपको UG, PG और PhD से रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं उसके बारे में बता दूँ। गाइज, मैं लगातार आप सभी को BHU से रिलेटेड, BHU एंट्रेंस एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो आप अगर आप भी BHU एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, ऑथेंटिक और लेटेस्ट सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, BHU ने अभी तक अपनी ऑफिशियली नोटिफिकेशन कोई भी रिलीज नहीं किया है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, और अभी तक फॉर्म वगैरह नहीं आए हैं। और जो अभी अपडेट है लेटेस्ट, मैं उसको आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा SAT स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, CHS के बारे में, उसके बाद मैं आपको UG, PG और PhD तक की सारी अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। गाइज, आपको पता होगा लास्ट ईयर भी कोविड के केसेस थे, और इस साल भी लगातार कोविड के केसेस में इंक्रीजमेंट होती जा रही है, और डेली 1 लाख प्लस केसेस मिल रहे हैं ऑल इंडिया में। लगभग 24 घंटे में 2-3 लाख केसेस मिल रहे हैं। सो इस कंडीशन में सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स के अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किए हैं। और मैं आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ क्या था यहाँ पे BHU का, CHS यानी कि जो क्लास 1 से लेके 12th तक का एडमिशन होता है, 1 to 6, 9th, 11th, इन सारे क्लास में एडमिशन आपका लॉटरी के बेस पे होता है। लॉटरी मतलब, मैं आपको बता दोस्त, लॉटरी मतलब यहाँ पर होता है, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फिर एक लॉटरी कमेटी बनेगी, और वो आपकी कमेटी में आपकी लॉटरी आपका फॉर्म को वहाँ से निकालेगी, और जिन भी कैंडिडेट्स के लॉटरी वहाँ पे फॉर्म आएंगे उन सभी का एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा विदाउट एंट्रेंस। तो ये नोटिस आई है 15th मार्च की, और ये बहुत पहले नोटिस है, लेकिन अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया गया था, अब वेरीफाई हो गई है, जिसमें उन्हें बताया गया है उपाध्यक्ष जो स्कूल बोर्ड की अध्यक्षता में लॉटरी कमेटी, कुल सचिव, स्कूल बोर्ड और वाराणसी जिले में पंचायत चुनाव कोविड के प्रकोप को देखते हुए CHS LKG, CHS बरकशा मिर्ज़ापुर और रणवीर संस्कृत विद्यालय, ये सब BHU से रिलेटेड है, यानी कि BHU से अफिलेटेड है, इन सभी में एडमिशन अब लॉटरी बेस पे होगा। तो ये गाइस SAT की अपडेट। अब मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट अपडेट है हमारा BHU PhD एंट्रेंस के लिए, तो PhD एंट्रेंस की एक अपडेट ये है कि आपका SVDV का जो RET का एग्ज़ाम्स था वो पोस्टपोन हो गया है। ये एग्ज़ाम्स अब आपकी फर्दर नोटिस आने तक अभी तक नहीं होंगे। तो जो RET का नोटिस था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर में। उसके बाद गाइस, सबसे पहले बता दूँ आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आ रही है UG और PG के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो यार, UG और PG का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कब वो मैं आपको बता दूँ। गाइस, अभी तक बता दूँ यहाँ पे CU SET और कोविड वजह से ये लेट हो रहा है फॉर्म, ठीक है। अभी तक ऑफिशियली कोई भी नोटिस नहीं आई है कोविड को, CU SET को लेकर, साथ ही साथ उसके साथ कोविड के केसेस भी डेली इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें एक असमंजस सा बन गया है लोगों के मन में कि फॉर्म रिलीज करें या फिर ना करें, या फिर जैसे कोविड के केसेस में थोड़ी कमी दिखे तब फॉर्म रिलीज किया जाए या फिर कब किया जाए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं यार, अभी तक आपके जो और एग्जाम्स होने वाले थे NTA के अंडर में, या फिर और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स थे, सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं आपके। लाइक आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में जो अप्रैल मई में एग्जाम्स होने वाले थे वो सारे आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। लाइक आपको बता दूं JEE मेंस की एग्जाम्स, UGC नेट की एग्जाम्स और बहुत सारे एग्जाम्स, नीट वगैरह जो भी होने वाले हैं अभी में पोस्टपोन हो गए हैं और पोस्टपोन होंगे भी, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे कोई फॉर्म भी नहीं आया है, और फॉर्म आने की कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर्म आने की गुंजाइश कब तक नहीं है, जब तक आपका 12th बोर्ड का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर ना हो जाए, क्योंकि जो UG में फॉर्म फिलअप करेंगे वो 12th अपेयरिंग वाले ही होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब भी उनका एग्ज़ाम्स होगा, जैसे ही 1 जून को उनकी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगी, अगर UG 12th जो CBSE बोर्ड है और सारे स्टेट बोर्ड है उनके एग्ज़ाम्स अगर जून में हो जाते हैं तो आपका फॉर्म मई तक आ जाएंगे, और आपका एग्ज़ाम्स आपका जुलाई अगस्त महीने में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम्स और आगे पोस्टपोन होता है कोविड के केसेस को देखते हुए, क्योंकि लास्ट ईयर आपका एग्जाम सितंबर मंथ में हुआ था जो बहुत लेट हुआ था, तो अभी भी सारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं UG और PG दोनों के। मैं गाइस क्लियर बता दूं, अभी तक UG और PG में BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom या फिर BLLB या फिर किसी भी नर्सिंग वगैरह कोई फॉर्म नहीं आया है। नर्सिंग का फॉर्म BHU अपना रिलीज नहीं करती, नर्सिंग का फॉर्म IMS BHU जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU का, उसके थ्रू रिलीज किया जाता है। और मे बी इस बार से BSc नर्सिंग का एग्जाम डायरेक्ट नीट के मार्क्स के बेसिस पे हो, तो जो भी BSc नर्सिंग करना चाहते हैं नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरेंगे और नीट एग्जाम्स जरूर देंगे, उनके बेस पे BSc नर्सिंग में BHU में एडमिशन होगा, और MBBS कोर्सेज में नीट के थ्रू एडमिशन होता है, और गाइस जो JEE मेंस IIT BHU में और JEE मेंस एडवांस के थ्रू वहां पे एडमिशन होता है। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं यार, UG कोर्सेज में एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी इस मंथ में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, मई के महीने में अगर केसेस कोविड के कम होते हैं तो फॉर्म आपके आ सकते हैं, लेकिन अभी भी उसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक डेली आपको पता होगा केसेस में इंक्रीज
अनाउंसमेंट डेली होती जा रही है। और एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका ट्वेल्थ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद, अगर ट्वेल्थ बोर्ड का आपका एग्ज़ाम्स हो जाता है, आई थिंक अगर आपका ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम्स जून में हो जाता है, जून जुलाई तक, तो आपका एग्ज़ाम्स अगस्त तक हो जाएंगे और जल्दी आपकी काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी। लेकिन अभी तक यार फॉर्म नहीं आया, लास्ट ईयर तक फॉर्म आ जाते थे। हाँ, अगर BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात कर रहा हूँ तो बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म आया हुआ है और वो आप फिलअप कर सकते हो, वो बहुत पहले से आया हुआ है, मार्च फरवरी से। तो गाइज़ ये थी अपडेट। बात करते हैं एंट्रेंस प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो एंट्रेंस प्रिपरेशन आप इस बेस पर कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्त, अगर आप भी BHU एंट्रेंस एग्जाम्स 21 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो BHU प्रवेश परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एडमिशन ओपन एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको डेली की वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, साथ साथ डाउट सेशन के नोट्स भी मिलते रहेंगे। गाइज, स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, साथ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो।